डिंडोरी कांग्रेस ने अपने नए जिला अध्यक्ष अशोक पटवार का स्वागत किया। जिला अध्यक्ष अशोक पटवार ने इस स्वागत सत्कार के लिए सभी का धन्यवाद किया और भाजपा की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। नए जिला अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में विधायक ओमकार मरकाम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, जन विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई की वजह से डिंडोरी जिले की जनता त्रस्त हो गई है। भाजपा के इशारे पर मजदूरों को 46 करोड़ का भुगतान वापस हो गया है। मजदूर अपनी मेहनत के वेतन के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं। वहीं जिला संगठन प्रभारी कादिर सोनी ने कहा कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष के स्वागत में जन सैलाब उमड़ा, इससे प्रतीत होता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है। हम चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हर घर से निकलकर कांग्रेस को जो है विजयी बनाने के लिए जिस तरीके से हमारी दोनों विधानसभा में पिछले मतों से जिताया है, उससे अधिक मतों से हमारे दोनों विधायकों को जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाकर कांग्रेस की जो है पुनः गवर्नमेंट बनाएंगे और माननीय कमलनाथ जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। 160 से पार करके जो है हम लोग जो है इस बार कांग्रेस की मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।